हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। समाज की तरक्की में नशा व कुरीतियों एवं रूढ़िवादी परंपराएं बनती है बाधक। सोजत रोड में सिरवी समाज छात्रावास में समाज के गणमान्यों की समाज सुधार को लेकर बैठक का आयोजन गोपाराम पवार राष्ट्रीय समन्वयक नशा मुक्ति एवं समाज सुधार अभियान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में क्षेत्र में चल रहे अफीम मनुहार को रोकने की समझाइश की गई तथा मृत्यु भोज व गंगा प्रसादी सहित इससे जुड़े रीति रिवाज को भी कम करने की समझाइश हुई। बैठक में उपस्थित सभी समाज के गणमान्यों ने भादवी बीच पर अपने गाँव व बडेर में नशा मुक्ति सहित कुरीतियों एवं रूढ़िवादी परंपराओं को सख्त नियम बनाकर पालना करवाने का काम प्राथमिकता से किया जाएगा ताकि समाज की तरक्की में नशा व कुरीतियां बाधक न बन सके। बैठक में लखाराम भायल, चिलाराम सेंचा, खीमाराम चोयल, सीताराम गहलोत, चंपालाल हांबड़, कन्हैयालाल गहलोत, सुजाराम पवार, अमरचंद सोलंकी, तरुण सोनपुरा सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए गोपाराम पवार राष्ट्रीय समन्वयक इन्होंने ये कहा। सर, जो आपकी छात्रावास बन रही है उसके बारे में आप कोई बन रही है? दिल्ली में छात्रावास बनाने का प्रस्तावित है। समाज से सहयोग की मांग के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। अभी जो होनार विद्यार्थी जो 99% और 100% और 95% से अबू काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, उन लोगों को भारतीय प्रशासन सेवा या उच्च सरकारी सेवाओं के लिए यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट अधिकांश दिल्ली में है, तो एक समाज का भवन वहाँ पर हो, छात्रावास की व्यवस्था हो, तो ये प्रयास हम कर रहे हैं। और उस सिलसिले में यहाँ पे समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए और सहयोग की हम अपील करने के लिए आए हैं भी कि आप सहयोग दीजिए ताकि एक वहाँ पे बच्चों के लिए स्थान हो जाए और अपने समाज में जो होनार है, जो उच्च सेवा में उनको एक लाभ मिल सके। सिरवी समाज के लिए आप नशा मुक्ति के बारे में भी कुछ जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में सर? नशा वैसे तो पौराणिक काल से चला आ रहा है, लेकिन अभी इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है, तो भारत सरकार भी प्रयास कर रही है और हर समाज अपने हिस्से से अपने अपने समाज में प्रयास कर रहा है कि भाई इस चीज़ से दूर रहें, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा, अपना भी पैसा खराब हो रहा है, अनावश्यक लिटिगेशन प्रॉब्लम परिवार में बढ़ती है, समाज में बढ़ती है, तो उसकी रोकथाम के लिए हम समझाइश कर रहे हैं पूरा और काफी फर्क पड़ा है और आने वाले दिनों में और काफी सुधार की गुंजाइश है। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।